बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ईद का सेकंड डे है अभी और आप सबको ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा गला जो है काफ़ी बुरी तरह बैठा हुआ है और आपने आवाज़ सुन के आप लोगों को लग रहा होगा भाई आपका गला जो है उसका तो जैसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो गया हुआ है। मेडिसिन तो मैंने ली है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द इसको ठीक कर दे। अच्छा, जब हम मौसम देखें तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और सुबह सुबह मैं छत पे आया हूँ, छत का व्यू देख रहा हूँ। अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है, पहले तो बारिश बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही थी, लेकिन आप व्यू देख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो हैं जी, ये देखिए ज़रा, अगर आप अंगूर को देखें कितना प्यारा व्यू बना हुआ है। वो वहाँ पर जो है जी गिया तोड़ी बना शुरू हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी बेल। अगर आप देखें, मैंने जूम किया, गिया तोड़ी की बेल है वो देख सकते हैं आप। वो भी गिया तोरी है, वो भी गिया तोरी है। वो जो फुट की बेल थी वो पूरी हो गई थी क्योंकि उसको कीड़ा लगना शुरू हो गया था और हमने इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है फुट वगैरह वो निकाल भी ली थी, सेव कर ली, फिर हमने उसे इस्तेमाल भी कर लिया था। जायका बहुत अच्छा था, साथ ही में हमने तर इस्तेमाल की थी, तर का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। ये एलोवेरा भी है और ये देखिए ग्रीन प्लांट्स, इसमें मिंट है, पीछे पुदीना है, कड़ी पत्ता है, उसमें मोती के फूल हैं, जैस्मिन है, खटियाँ लगी हुई हैं, एलोवेरा लगा हुआ है, कैक्टस लगा हुआ है और गुलदुपरी लगे हुए हैं। मौसम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत प्यारा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है और हम इन्जॉय कर रहे हैं। साथ में आज आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा था कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर आइडिया होगा, ये आप देखें ग्रीन 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 कितना प्यारा लग रहा है मसाला। और अब तो माशाल्लाह हवा भी काफ़ी अच्छा चलना शुरू हो गई है, पहले तो बहुत तूफ़ानी बारिश थी और अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। पौधे कितने प्यारे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश का थोड़ा तोड़ भी कम हो गया है, वरना पहले बारिश बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से जो है जी, एक तो अच्छी बात भी है, अच्छी बात यह है कि गर्मियों के टाइम पर घर छत मौजूद है वहाँ, तो वो आराम से जाके छत पे इंजॉय कर सकते हैं अभी। लेकिन ये अगर आप देखिए तो ये सब हमारे सारे के सारे प्लांट्स हैं, वहाँ पे एक्सेसिव वाटर आ चुका है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो चुका है। तो जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास छतें वगैरह नहीं हैं वो तो उससे भीग चुके होंगे। तो अगेन जी अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से रहम करम मांगना चाहिए, फिर मांगना चाहिए। और कभी भी अभी कभी बारिश हो तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, बारिश हम इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन कहीं ना कहीं आप देखिए बारिश और तूफान कितनी स्पीड से था कि जल्द पहले लगे हुए पौधे और ये जिसे कहते हैं हिल हिल के इनकी शेप ही चेंज हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको हल्का सा व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा व्यू है। और ये देखिए शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी गिर रहा है। सारे माशाल्लाह प्लांट्स बड़े हो गए हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा होता है, अगर आप इसको देखें तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैसे आप ये देखें ग्रीन प्लांट्स और ये देखें हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन अगेन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। ये देखें लेमन, गुलाब, गुलाब आज सब से ग्रो कर रहा है। और ये रहे घर के उधर वड्डू भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो आप डिफरेंट इस तरह के पौधे वगैरह अपनी छत पे उगा सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो इनसे कहना चाहिए ये हमारा ग्रीन रूफ टॉप गार्डन बनता है, क्योंकि मेरे रूफ पे हमने गार्डन बनाया होगा। उसमें मेरे वालद मोहतरम की बहुत मेहनत है, मेरी वालदा की मेहनत है, इनफैक्ट हम सब फैमिली वालों की मेहनत है कि हम लोगों ने मिल के ये चीज़ बनाई है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ देती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अक्सर बात जब बारिश हो रही होती है तो हम लोग अक्सर ऊपर आकर नाश्ता करते हैं, तो रूप बड़ा ज़बरदस्त आता है और क्या कहते हैं कि वो नाश्ते के पैसे भी पूरे हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बारिश आप भी इंजॉय कीजिएगा। और आज चूँकि सेकंड डे है ईद का, तो कोशिश कीजिएगा जब हम कुर्बानी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है वो अपने
रेफ्रिजरेटर्स में हम ना रखें बल्कि जो गरीब लोग हैं उनको दे दें, क्योंकि उससे क्या है, कुर्बानी का मकसद क्या है कि हम लोगों को मदद करनी चाहिए, ना कि गोश्त को अपने घरों में रखना चाहिए। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुर्बानी करें, गोश्त आपके पास आए, अगर आपने हिस्सा डाला है आपने कुर्बानी किया तो मैक्सिमम गोश्त है ना वो आप लोगों में तकसीम कर दें। जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे गले के लिए भी दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।